जोधपुर फिर हुआ शर्मसार। सीएम के गृह जिले में एक और बच्ची के साथ हुआ कांड। पहले गैंगरेप ने डराया, अब एक 7 साल की बच्ची से हुआ रेप। जी हां, सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर से एक और शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल का चपरासी 7 साल की बच्ची के साथ 1 साल से रेप कर रहा था। आरोपी चपरासी ने पीड़िता को किसी को कुछ भी बताने पर धमकाया था। उसने बच्ची को धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो वो उसकी मां की हत्या कर देगा। बच्ची डर के मारे आरोपी की दरिंदगी सहती रही, लेकिन 2 दिन पहले ये शर्मनाक सच सामने आ गया। पुलिस भी इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही। दरअसल 2 दिन पहले बच्ची की मां उसके कपड़े धो रही थी। इस दौरान मां को बेटी के कपड़ों पर खून के धब्बों के साथ कुछ दाग दिखाई दिए। मां ने इसे लेकर बच्ची से सवाल किए तो वो रोने लगी। मां ने उसे चुप कराया और फिर गोद में लेकर प्यार से पूछताछ की तो बच्ची ने रोते हुए बताया कि स्कूल के चपरासी अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है। दर्द के कारण वो रोती रही, लेकिन अंकल फिर भी नहीं माने। मंगलवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने खुद पीड़िता से घर जाकर मुलाकात की। नाबालिग पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है। तो वहीं रविवार को हुए गैंगरेप को लेकर जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर जोधपुर में छात्र संगठन एवीपी और एनएसयूआई दोनों ही इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। 2 दिन से इसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस घटना को लेकर छात्राओं का कहना है कि यदि हम यूनिवर्सिटी में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कहां सुरक्षित होंगे। जोधपुर की इस घटना का शोर राजधानी जयपुर तक है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इसे लेकर प्रदर्शन हुआ। जोधपुर गैंगरेप के बाद एक के बाद एक रेप के खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है, जिसमें एक युवती ने एवीपी के पूर्व जिला संयोजक रामलाल परिहार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे पद का लालच देकर उसके साथ रेप किया है। जोधपुर में रेप का मामला सामने आने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हावी हैं। विपक्ष जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।